हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल द नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोगरा प्लांट की रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों, ये हमारा मोगरा प्लांट है जो तकरीबन 3 साल पुराना प्लांट हो चुका है और इसका आप ये हाल देख सकते हो। अभी ये डोरमेंसी पीरियड में है क्योंकि अब विंटर समाप्ति की ओर है और स्प्रिंग बस कुछ ही दिन रह गया है स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट होने में, तो ये बेस्ट टाइम है इसका रिपोर्टिंग करने का। क्योंकि आप ये देख सकते हो विंटर सीजन में डोरमेंसी पीरियड में इसका क्या हाल हो चुका है। विंटर के कारण इसके आप पत्ते देख सकते हो किस तरह से सारे पत्ते इसके ख़राब हो चुके हैं। तो ये टाइम है बेस्ट इसका रिपोर्टिंग करने का। आज हम आपको बताते हैं कि इसका रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि मैं फुली नेचुरली रिपोर्टिंग करता हूं, केमिकल फ्री रिपोर्टिंग करता हूं। इसीलिए मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर किया जाए क्या बिना केमिकल का भी प्लांट ग्रोथ कर सकता है। तो ये आपके सामने मेरा प्लांट है जो विदाउट केमिकल इतनी अच्छी ग्रोथ है। इसका भी हाल डोरमेंसी के कारण हुआ है, तो इसको अब डोरमेंसी से बाहर आने का टाइम हो चुका है। तो इसलिए इसका अब रिपोर्टिंग बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो आज हम इसका रिपोर्टिंग करते हैं। आप ये देख सकते हो ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसे मैंने एक छोटी सी कटिंग के साथ ग्रो किया था, बिल्कुल नेचुरल ग्रोइंग हुआ है, विदाउट केमिकल, कोई केमिकल नहीं, नॉर्मल ये ग्रोथ किया है। और मैं केमिकल फ्री प्लांटेशन का काम करता हूँ। नॉर्मल केमिकल डालने से एक तो फ्लावर अच्छी देती है लेकिन प्लांट का लाइफ नहीं रहता है। अगर आप विदाउट केमिकल यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते हो, तो आपका प्लांट लाइफ लॉन्ग चल सकता है और आपकी मिट्टी भी ख़राब नहीं हो पाती होती है। तो मैं दिखाता हूँ मैं इसके रिपोर्टिंग में क्या सब चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला चीज़ है ये गार्डन सॉइल, जो मैंने अच्छे से 3-4 दिन अच्छी धूप में इसको लगा दिया हूँ, ताकि ये पूरी तरह से पोरस है, बालू मिट्टी है, इसीलिए ड्रेनेज का कोई दिक्कत इसमें है नहीं। दूसरा है फुली डीकम्पोस्ट कॉडंग, ये फुली डीकम्पोस्ट कॉडंग है, ये भी नेचुरल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। साथ में इसमें मैं ऐड करता हूँ ये मस्टर्ड केक पाउडर, माइक्रोन्यूट्रिएंट मल्टीन्यूट्रिएंट, वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं इसमें यूज़ करता हूँ। और फ्लावर के ग्रोथ के लिए मैं इसमें डालता हूँ बनाना पील्स। जैसे आपको पता है बनाना पील्स पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, तो इससे हमें पोटेशियम काफ़ी अच्छा, फ्लावर के लिए पोटेशियम मिल जाता है। और ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये एंटी फंगल एक बेहतरीन काम करता है। बस मैं ये 4 चीज़ डालता हूँ अपने प्लांट में। तो मैं फिर आपको आगे बताता हूँ इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों, तो मैंने अब इसका कर दिया हूँ प्रूनिंग, काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दिया हूँ। आप ये देख सकते हो जितने भी अनहेल्दी ब्रांच थी उन सबको हटा दिया हूँ, जो मेन स्टेम है उसे ही रखा हुआ हूँ, ताकि अब जो नए सूट्स आए वो हेल्दी सूट्स आए। क्योंकि अनहेल्दी ब्रांच में सूट आती है तो वो अच्छी सूट होती नहीं है, नए उसमें कोई अच्छी फ्लावरिंग आती है, इसीलिए सिर्फ हेल्दी ब्रांच रखा हुआ हूँ। और इसको बाकी सारे को मैंने प्रून करके ये मैंने साइड में लगा दिया हूँ। इससे मैं चाहूँ तो काफ़ी संख्या में मैं इसकी ब्रांचेज कटिंग लगा सकता हूँ और इससे ढेर सारे पौधे मैं बना सकता हूँ। अब इसका रिपोर्टिंग करना है, तो फिर मैं पॉटिंग मिक्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे
गमले से बाहर कर दिया हूँ और आप ये देख सकते हो इसमें कितनी सारी रूट भरी पड़ी हुई है, कितनी सारी रूट भरी पड़ी हुई है। और इसका आप नीचे भी देख सकते हो पूरा इसका रूट भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको रूट प्रूनिंग करता हूँ, देख सकते हो इतनी सारी रूट प्रूनिंग है। इसमें से मैं 50% सॉइल बाहर निकाल लेता हूँ, 50% सॉइल को मैं बाहर करता हूँ ताकि नई मिट्टी जब ये ग्रोथ करे तो इसे नई मिट्टी मिले, फिर ये अपना ये ग्रोथ अच्छे से करे। आप ये देख सकते हो ये मेरा प्लांट है। तो अब मैं इसका रूट प्रूनिंग करता हूँ, फिर से आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैंने 50% साल जूम कर दिया है, ये दोस्तों इन सारी सी रोटी सब भरा है आनंद रोटी और छोटा इसमें जाना है या फिर सोया मिलना है ये थोड़ी मिलने से फायदा होता नहीं तुमसे तुम डर लिया बाहर दिया हूँ देखते हो कुछ मौका मिलता है वैसे हम रोटी भी जुटाने आने दिखाते साहब बनने आ गया मेरे पिता से फिर हो गया अभी नहीं काफ़ी। फ्रेंड्स तो ये हमारा पॉटिंग सॉइल अभी रेडी है, गार्डन सॉइल, कॉर्डन कंपोस्ट, बनाना पील्स, मस्टर्ड केक पाउडर और टर्मरिक यानी कि हल्दी, इन सबको मिलाया के इसका पॉटिंग सॉइल रेडी हो गया। अब इससे मैं तो दोस्तों मैंने गमले में मिट्टी फिल कर दिया है और मोगरे प्लांट को डाल दिया हूँ। आप ये देख सकते हो नई मिट्टी, काफ़ी सारा खाना पीना साथ में। अब इस प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करनी है, फुल वाटरिंग करनी है ताकि इसके जो नीचे से पानी बाहर निकल जाए। उसके बाद इसे एक हफ्ते के लिए सेमी शेड में रख दूंगा, रख दिया जाएगा ताकि प्लांट जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है वो स्टेबल हो जाए और जब एक हफ्ते बाद ये अपनी ग्रोथ चालू करेगी तब फिर इसे मैं फुल सनलाइट में डाल दूँगा। देख सकते हो तो मैं आपको फिर एक हफ्ते के बाद इसका अपडेट देता हूँ इसकी ग्रोथ कहाँ तक हुई है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मैं भी आपसे इंस्पायर होके इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।